हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर की लाइफ स्टाइल के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। इनका रियल नेम है अनिल कपूर, प्रोफेशन से एक एक्टर, एंकर, रेडियो प्रेजेंटर हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1956 इटवारा भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में हुआ था और 2020 के हिसाब से आज इनकी एज 64 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन इटवारा भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया है। अब इनकी फिजिकल स्टेट देख लेते हैं तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 4 इंच और इनका वेट लगभग 64 kg है और बॉडी मेजरमेंट इनका 41-35-12 है। आई कलर डार्क ब्राउन और हेयर कलर इनका साल्टेड कलर है और नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से ये एक हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1983 में फिल्म मंडी से की थी और हम आपको बताते हैं इस फिल्म में इनको ज़्यादा कोई पहचान नहीं मिल पाई और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी मूवियों में काम किया है। हम आपको बता दें इन्होंने अभी तक 80 से ज़्यादा मूवियों में काम किया है जिनमें से कुछ नाम हैं बेताब, उस्ताद, अर्जुन, एक रुका हुआ फैसला, मिस्टर इंडिया, तेजाब, रामलखन, चालबाज, घायल, योद्धा, डर, जवाब, अर्जुन पंडित, ओम जय जगदीश, गली गली चोर है, जॉली LLB 2, ड्रीम गर्ल। और हम आपको बता दें इन्होंने 2012 में विक्की डोनर मूवी में डॉक्टर बलदेव चड्ढा का कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें इनको स्क्रीन अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडियन, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी मिल चुका है। इनकी लास्ट मूवी थी खुदा हाफिज जो 2020 में आई थी और इनकी आने वाली मूवी है चेहरे और दरबार। इन्होंने टीवी में डेब्यू खरी खरी शो से किया था और साथ ही साथ ये रेडियो में जॉकी भी रह चुके थे। इन्होंने 92.7 बिग FM में ये शो चलाते थे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर के साथ। और हम आपको बताते हैं इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है होम। और अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं तो इनके फादर का नाम मदनलाल कपूर है जो ट्रेवलिंग पारसी थिएटर कंपनी के ओनर थे। इनकी मदर का नाम कमल शबनम कपूर था जो प्रोफेशन से एक पोर्ट एंड टीचर थी। इनके दो ब्रदर थे, एक का नाम रंजीत कपूर जो प्रोफेशन से एक स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर थे और इनके सेकंड ब्रदर का नाम निखिल कपूर था जो प्रोफेशन से एक लिरिस्ट एंड राइटर थे। इनकी एक सिस्टर हैं जिनका नाम सीमा कपूर है जो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं। इनकी फर्स्ट वाइफ अनुपमा कपूर थी जिनसे इनका डिवोर्स हो गया था, फिर उसके बाद 2008 में इनकी दोबारा रीमैरिज हो गई। और इनकी सेकंड वाइफ का नाम अरुणिता मुखर्जी है जिनसे अब इनका डिवोर्स हो गया है। और इनके एक डॉटर और 3 सन हैं। इनकी डॉटर का नाम आराधनिता कपूर है, इनके सन का नाम माहिर कपूर, कवम कपूर एवं कपूर है। अब इनकी फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं तो इनके फेवरेट प्लेस दिल्ली है और इनका हॉबी देख लेते हैं तो इनको सिंगिंग, इनको गाना गाना बहुत पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं ये रहते कहाँ पर हैं तो ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं तो इनके पास फर्स्ट कार है ओडी की Q7, सेकेंड कार है इनके पास ओडी की A6। अब इनकी सैलरी देख लेते हैं तो ये 2 से 3 करोड़ रुपये पर फिल्म चार्ज करते हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं तो इनकी नेटवर्क लगभग 100 करोड़ रुपए है। अगर आपको ये अन्नू कपूर की लाइफस्टाइल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमको कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।